मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सम माइक्रोबायोलॉजी स्पेसिफिक टेस्ट जो हमें इन्फेक्शन कॉजिंग करते हैं बैक्टीरिया, फंगस या वायरस, उनको कैसे हम लैब बेस्ड मेथड से एनालाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि ह्यूमन डिसीज काजिंग करना या एनिमल डिसीज काजिंग करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अल्फाबेटिकली हम वो सारे टेस्ट का एक जनरल व्यू पॉइंट यहाँ लेंगे एंड लेटर सेक्शन आने वाले टाइम्स में इन सारे टेस्ट को एक एक करके डीप स्टडी करेंगे चल के। सो यहाँ पर वन बाय वन पहला टेस्ट आते हैं एस्पायरेट कल्चर सेंसिटिविटी मेथड। यहाँ पे एंडो एस्पायरेट का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं। एस्पायरेट इज द मीन्स ऑफ द कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड। सो इस टाइप का कलेक्शन करना एंडोट्रैकियल रीजन से कि अगर वहाँ पर कोई इन्फेक्शंस हुआ है या थ्रोट इन्फेक्शंस हुआ है, सो उसकी माइक्रोबायोलॉजिकली या माइक्रोस्कोपिकली ये एनालाइज करते हैं किस टाइप का है इन्फेक्शन से, कौन सा इन्फेक्टिंग पार्टिकल से, बैक्टीरिया, फंगस है या वायरस है। सेकेंड आता है एस्पायरेट फॉर द AFB यानी कि एसिड फास्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हुआ है वहाँ के स्पाइनल फ्लूड्स के ले सकते हैं या हम यूरिन कलेक्शंस कर सकते हैं, किसी भी टाइप का जो माइक्रोबैक्टीरियल स्पेसीज आइदर ट्यूबरकुलोसिस या लेप्रेसी टाइप के इन्फेक्शन से उसके एनालिसिस के लिए इस टाइप के कल्चर या टेस्ट को किया जाता है। जाकर ब्लड कल्चर इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट सबसे ज़्यादा किया जाने वाला कल्चर मेथड है टेस्ट है। जाकर इन्फेक्शन हमारे ब्लड सिस्टम में हुआ हो आइदर बैक्टीरिया का या वायरस का या फंगस इन्फेक्शन हो, मैक्सिमम फंगस नहीं काज करता है लेकिन सम टाइम हुआ देन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एड्स या इम्यूनो कम्प्रोमाइज टाइप ऑफ पेशेंट देन दे विल आल्सो कॉज द इन्फेक्शन देयर। तो वहाँ पर ब्लड कल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। फिर कोलरा टॉक्सिन्स या कोलरा एंटीजन्स दैट मीन्स नेम से ही पता लग रहा है हमें कोलरा इन्फेक्शन की वजह से इसको एनालाइज करते हैं। तो वहाँ स्पेसिफिकली हम इम्यूनो इस चीज़ को क्रोमेटोग्राफी एनालिसिस भी कर लेते हैं जाकर। फिर क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया एक टाइप ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है जिसको क्लेमाइडिया नाम का एक फंगस काजिंग करता है, उसके एनालिसिस के लिए हम इस टेस्ट को करते हैं चल के। फिर आता है CFS यानी कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड का कल्चर इन्फेक्शन। ये बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या फंगस इन्फेक्शंस होते हैं जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड में चले जाते हैं, तो वहाँ पर इस टाइप का एक कलेक्शंस या स्टडी की जाती है जाकर। फिर हमारे पास आता है जाकर एयर कल्चर सेंसिटिविटी, हमारे कान में ऐसा कोई इन्फेक्शन हो, ड्रेनेज कल्चर सब वहाँ से हम स्वैप करते हैं या उस तरीके का वहाँ फ्लूड को कलेक्ट करके उसके जर्म्स का पता लगाते हैं इन्फेक्शंस करने के लिए। फिर एंडोसर्वाइकल स्वैप्स करने के लिए वजाइनल्स का इन्फेक्शंस में किस तरीके का है वहाँ पे एनालिसिस करने के लिए हम वहाँ स्वैप कल्चर करते हैं ताकि एनालाइज कर सकें कि हमारे वहाँ पे इन्फेक्शंस कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं या फंगल इन्फेक्शंस का हो चुका है यूट्रस के या होती है जाकर पॉलिसम वहाँ पे। आई कल्चर सेंसिटिविटी, समटाइम्स पीपल्स आर सफरिंग फ्राम द आई इन्फेक्शंस, कॉर्निक जो कॉर्निया रीजन्स होता है वहाँ पे स्रपिंग करते हैं, आइदर हम वहाँ का फ्लूड लेते हैं या फिर वी आर गोइंग टू स्वैब कल्चर करते हैं, तो वायरल इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल या क्लेमाइडियल इन्फेक्शंस का भी पता लगा सकते हैं इस चीज़ के। फिर एक फीकल ऑक्लूट ब्लड कल्चर होता है, अगर फीकल ऑक्लूट ब्लड टेस्ट मतलब कभी कभी स्टूल सैंपल्स में ब्लड से आना शुरू हो जाते हैं, तो उस कल्चर को भी एनालिसिस करने के लिए इस टाइप का टेस्ट किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशेंट होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं जाकर, या कुछ और इन्फेक्शंस हुआ इन स्मॉल इंटेस्टाइन या उस टाइप के बैक्टीरियल या एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, तो हम उस चीज़ को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं चल के। HVS कल्चर सेंसिटिविटी एक मेडिकल प्रोसीजर होता है, ऑब्स्टिकल गायनेकोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली फॉर द ओमेंस के लिए होता है जाकर, वेजाइनल इन्फेक्शन से वहाँ पर हम करते हैं इन्फेक्शन इस टेस्ट को। और HP रूटीन एग्जामिनेशन यानी कि अनदर इसी का है वेजाइनल टेस्ट है, ये भी डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन में होता है जाकर, तो हम इस चीज़ को पता कर सकते हैं चल के जस्ट ए मिनट। और ये होता है नेजल स्वैब जो बहुत ही प्रोनाउंस बहुत ही इफेक्टिवली होता है जस्ट लाइक कोरोना वायरस इन्फेक्शन में आजकल ये किया जा रहा है जाकर। नेजल इन्फेक्शंस हुआ हो या फिर आपको कोई ऐसा इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन जिसके आपके नेजल प्रीजेंस में हो उसकी क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया वायरस की मैक्सिमम हो, वहाँ से हम स्वैबिंग करके उस चीज़ को लैब बेस्ड मेथड में एनालिसिस कर सकते हैं जाकर। प्लूरल एस्पायरेट कल्चर, ये भी एक समझ लो एक फ्लूड का कल्चर है। प्लूरल का मतलब होता है जाकर एक रीजन्स होता है लंग्स और चेस्ट के बीच में वहाँ के जो प्लूरल फ्लूड होता है उसको हम एनालिसिस करते हैं। सम टाइम
सम इन्फेक्शन हैज़ हैपन, निमोनिया टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो पेशेंट्स को एनालिसिस करने के लिए हम कल्चर वहाँ से मेथड से करते हैं चल के। पस कल्चर एस्पेरेट, अगर आपके बॉडी सिस्टम में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है जहाँ पस फार्मेशन हो, तो पस को हम लेके लैब बेस्ड मेथड, माइक्रोबायोलॉजिकल लैब बेस्ड मेथड में वहाँ पर एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं किस टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन हो चुका है। रेक्टल स्वैब्स, दैट मीन्स रेक्टल रीजन्स में अगर किसी टाइप का इन्फेक्शन हो, स्पेसिफिकली जो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरियाज होते हैं उन्हीं का वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, या बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और भी होते हैं, तो वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इस टाइप का इन्फेक्शन हम वाइब्रोकॉलरी या एनी जो फूड से रिलेटेड इन्फेक्शन काजिंग बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं के लिए करते हैं चल के। सीमन एनालिसिस, अगर सीमेंस में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो चुका है तो वो उस टाइप के स्टडी के लिए सीमन एनालिसिस मेथड यूज करते हैं मेल के स्पर्म्स की। इसमें बहुत सारी और भी एनालिसिस कर सकते हैं सीमन से, आपके स्पर्म्स की क्वांटिटी भी एनालिसिस कर सकते हैं, वो वैसे टोमी हो चुकी हो तो उस टाइप की चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं सीमेंस के मेथड में। सीमन कल्चर सेंसिटिविटी, अगर ये तो मैक्सिमली इनविट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड में किया जाता है कि सीमेंस आर की क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी, इस चीज़ को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं चल के। आता है टीन्स में या नाइनटीन्स में हम आते हैं जाकर कि स्किन स्क्रैबिंग, समटाइम बेड रॉक टेक्निक्स, डर्मेटोलॉजिस्ट, द पर्सन्स हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्किन डिसीजेज, तो स्किन स्क्रैबिंग मेथड यूज़ किया जाता है, उसकी एनालिसिस की जाती है कि वहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। स्किन स्निफ इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ऑन्कोसेरोसिस, ये भी एक प्रकार का फंगल है, फंगल इन्फेक्शन अगर स्किन में हुआ है तो उस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। स्पिटम फॉर एसिड फास्ट बैक्टीरिया के लिए जाता है, जो स्पिटम का कल्चर हमारी बॉडी सिस्टम्स में होता है जाकर स्पिटम्स को लेके हम वी कैन गो फॉर द टेस्ट फॉर द एसिड फास्ट बैक्टीरिया, जो भी टीबी पेशेंट्स हैं उनके लिए एनालिसिस करते हैं। स्पिटम कल्चर सेंसिटिविटी, यहाँ पर भी उसी टाइप्स का कल्चर है, उसकी सेंसिटिविटी को एनालिसिस करते हैं कि ये कितना सेंसिटिव है या नहीं है उस चीज़ को। अब स्टूल कल्चर, मैंने अगेन बताया स्टूल कल्चर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर प्रॉब्लम्स है किसी को डाइजेशन प्रॉब्लम हुआ या फूड पॉइजनिंग हुई है, वी नीड टू गो फॉर दिस टेस्ट के लिए चले जाते हैं। स्टूल प्रोटीन एग्जामिनेशन, जनरली ये भी उसी टाइप का है कि अगर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको स्टूल्स की प्रॉब्लम्स यानी कि फूड डाइजेशन की बहुत सारे इन्फेक्शन रेगुलर बेसिस पर होते हैं, तो एक रूटीनली चेक करते रहते हैं उनकी एचएस सिस्टम के लिए जाके। अब आते हैं थ्रोट स्वैब कल्चर सेंसिटिविटी, अगर थ्रोट स्वैब अभी हमने नेजल किया था उसी तरीके थ्रोट से भी स्वैब्स को करते हैं, स्पेसिफिकली ये आइडेंटिफाई किया जाता है जाकर स्ट्रेप्टोकोकस के लिए किया जाता है। यूरेथ्रल स्वैब कल्चर एंड सेंसिटिविटी मेथड, यूरिन एंड यूरेथ्रल स्वैब्स को ट्रैकिंग आइडेंटिफाई करते हैं जाकर या एनालिसिस करते हैं लैब बेस्ड में, वहाँ स्वैब्स लेके यूरिन्स का भी कल्चर अलग करते हैं, फिर यूरेथ्रल रीजन्स के जो उसकी मेम्ब्रेन्स होती है वहाँ के स्वैबिंग करके हम एनालिसिस करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप के बैक्टीरियल का एकोमुलेशन या वहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है जाकर। स्पेसिफिकली कहा तो क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस के लिए किया जाता है जाकर यूरेथ्रल स्वैब, मैंने ऑलरेडी बताया। सेम टाइप्स का बॉयज़ में भी किया जा सकता है अगर वहाँ पर भी कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं तो किसी वजह से, इस वजह से यूरिन का यूरिन टेस्ट फॉर द एएफबी यानी कि एसिड फास्ट बैक्टीरियाज के लिए किया जाता है इन्फेक्शन के लिए। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, दिस इज़ द आल्सो फॉर द सेंसिटिविटी यूटीआई इन्फेक्शन, जो बहुत सारी वुमेंस यंग एज गर्ल्स होती हैं उनमें इस टाइप के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे होने के कंडीशन ज़्यादा होते हैं। इन सारे टेस्ट को हम आने वाले टाइम में एक एक करके डीप स्टडी करेंगे वन वन वीडियो के हिसाब से। एसिड फास्ट बैसिलस, या ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि बैक्टीरिया जो भी माइकोबैक्टीरियम होते हैं जो स्पेसिफिकली एसिड्स जो होता है हम काउंटर स्टेन करते हैं वहाँ पर ये इस चीज़ को नहीं लेता है, तो उस वजह से हम इस टेस्ट को करते हैं इस स्पेसिफिक पार्ट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अब यूरिन कीटोन्स के फार्मेशन, अगर हमारी बॉडी सिस्टम में कीटोन्स का फार्मेशन हो तो यूरिन के कलेक्शन से उसके एनालिसिस के बेस्ट पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन से मेथड्स से यूरिन में कीटोन बॉडीज का फार्मेशन हो रहा है, क्योंकि कीटोन्स फार्मेशन इज मेकिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, और ये हाई कीटोन्स लेवल यूरिन में आइडेंटिफाई कर डायबिटिक कीटोनोसिस प्रॉब्लम होती है जो कि डेथ काजिंग भी कर सकती है पेशेंट्स को। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, यूरिन का अगर हम यूज करते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनोट्रोफिक्स हार्मोन्स जो होता है उसको हम यूरिन में अगर प्रेजेंस पाई जा रही है तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जब पर्सन से लेडी इज इन
प्रेगनेंसी पॉजिटिव के लिए जाकर, तो वहाँ पर भी इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशंस, यूरिन से बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जाकर, नॉट ओनली फॉर द इन्फेक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्यूट, सेल्स, कास्ट, क्रिस्टल, ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलर मैटर्स, मेनली फॉर द मेडिकल डायग्नोसिस। तो हमें ये भी पता लगे स्टोन का फॉर्मेशन तो बॉडी सिस्टम में नहीं, अगर हम रूटीनली अगर चेक कर रहे हैं, क्योंकि समटाइम यूरिन में उस पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स के आने लगते हैं जाकर। स्वैब, उंड स्वैब्स, अगर बहुत सारा उंड हो चुका है बॉडी, वहाँ से जस्ट लाइक पास कल्चर वैसे ही इस चीज़ को भी करते हैं जाकर। एक लास्ट में आता है मोंटैक्स टेस्ट, होता है मोंटैक्स टेस्ट या फिर मेंडल मोंटैक्स टेस्ट स्क्रीनिंग फॉर द ट्यूबरकुलोसिस या ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस के लिए भी ये इस टाइप के टेस्ट किया जाता है। ये एक जनरल टेस्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर लैब्स में होते हैं प्राइमरी टेस्ट के रूप में, और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो कि मॉलिक्यूलर बेस्ड टेस्ट होते हैं जाकर। यहाँ पर एक लैब बेस्ड मेथड में हम इस प्रेजेंटली 35 लाइक टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी की लैब बेस्ड मेथड में किए जाते हैं। अगर इसके बाद आइडेंटिफाई करना होता है तो वी नीड टू गो फॉर द मॉलिक्यूलर टेप बेस्ड में। तो ये ओवरऑल एक जनरल कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी लैब टेस्ट कौन कौन से हैं और इनको आने वाले टाइम में वी नीड टू गो फॉर द डीप स्टडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।